फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमने एसिडिक इक्वेशंस के हवाले से बात की हुई थी हमारे लास्ट लेक्चर्स में। हमने बात की है एसिडिक इक्वेशंस की, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से उनको बैलेंस करना हमने सीखा है पिछले इक्वेशंस में। एसिडिक की इक्वेशंस जो हमारे पास पेपर्स में आई हैं तकरीबन 25 साल के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो ये वो इक्वेशन है जो सबसे ज्यादा पास पेपर्स में रिपीट हुई है। सबसे ज्यादा पास पेपर्स में रिपीट होने वाली ये इक्वेशन है और ये एसिडिक मीडियम में इक्वेशन है। अच्छा, मुझे कैसे पता चल रहा है कि एसिडिक मीडियम में, देखिए इसमें H पॉजिटिव आयन कहीं नजर नहीं आ रहा। दो तरीकों से हमें पता चल जाता है कि कोई इक्वेशन एसिडिक है या कोई इक्वेशन बेसिक है। एक तरीका तो ये होता है कि इक्वेशन में कहीं ना कहीं H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन हमें नजर आता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इक्वेशन के साथ ब्रैकेट में ही मेंशन होता है कि वो इक्वेशन एसिडिक है या वो इक्वेशन बेसिक है। तो इस इक्वेशन में आपको हो सकता है कि वो कभी यहाँ पर H पॉजिटिव आयन इंडिकेट कर दें जिससे आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन एसिडिक है, या हो सकता है कि वो H पॉजिटिव आयन इंडिकेट ना करें बल्कि आगे लिखकर बता दें कि ये एसिडिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 7 स्टेप्स हैं टोटल, ये बात आप जानते हैं। तो हम बारी बारी हर स्टेप को अप्लाई करेंगे और उसके बाद आखिर में हमारे पास इंशाल्लाह 7वें स्टेप पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, हर स्टेप के स्टार्ट में मैं स्टेरिक बनाऊंगा ताकि आपको याद रहे कि ये यहां पर एक स्टेप स्टार्ट हुआ है कोई। तो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि पिछली इक्वेशन में भी हम बात कर चुके हैं, सबसे पहला स्टेप तो ये कि जो हमारी पैरेंट इक्वेशन है, इस पैरेंट इक्वेशन को हमने ब्रेक डाउन करना है इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट में अलग अलग। अब देखिए किस तरीके से आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए इस वाले पार्ट में देखें, दो रिएक्टेंट साइड पर दो रिएजेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट भी हमारे पास दो हैं। एक रिएक्टेंट में क्रोमियम नजर आ रहा है और एक रिएक्टेंट में हमें आयोडीन नजर आ रहा है। तो पेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी कि क्रोमियम वाले दो जो एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आप एक इक्वेशन बना लेंगे, जैसे कि Cr2O7 और Cr+3। ठीक है, एक पेयर बन जाएगा I2 और IO3 का, I2 और IO3 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी इक्वेशन रिडक्शन की है, हमें इसका भी फैसला करना है। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि इसके ऊपर ये जो आपको -2 चार्ज नजर आ रहा है और ये जो -1 चार्ज नजर आ रहा है, ये होल चार्ज है Cr2O7 का और ये होल चार्ज है IO3 का। मुझे फैसला करना है कि कौन सी इक्वेशन एसिडिक है और कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी इक्वेशन रिडक्शन की है। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन है और बल्कि इसको इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, मैं काम करता हूं कि हम इसके ओवरऑल चार्जेस के हिसाब से देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए इधर आयोडीन के ऊपर चार्ज है 0। इस वाली इक्वेशन को समझते हैं कि इस वाली इक्वेशन को कैसे बनी। आयोडीन के ऊपर क्या चार्ज है, 0, कोई चार्ज नहीं है, आयोडीन न्यूट्रल है। और इधर IO3 पर होल चार्ज नजर आ रहा है मुझे -1। अच्छा एक चीज है कि IO3 का होल चार्ज क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मुझे इसमें आयोडीन का चार्ज पता करने के, आयोडीन का चार्ज क्या है, तो कोई मसले की बात नहीं है। दो चीजें हैं, एक आई है और एक ओ है, सही है ना। आयोडीन का चार्ज मुझे नहीं पता फिलहाल क्या है, मुझे नहीं पता। ऑक्सीजन का चार्ज तो फिक्स होता है, वो तो मुझे पता है क्या होता है। ऑक्सीजन का चार्ज, ऑक्सीजन के एक एटम का चार्ज होता है भाई -2। ऑक्सीजन के एक एटम का चार्ज होता है -2। यहां कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको, 3। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने चार्जेस हो गए यहां पर, -6। 3 × 2 = 6 हो गए, तो ये -6 होगा। और आयोडीन यहां पर क्या होगा, +5 होगा। क्यों आयोडीन +5 होगा यहां पर, आयोडीन इसलिए +5 होगा क्योंकि +5 और -6 मिलकर जब इक्वल करोगे तभी तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, इसलिए आयोडीन यहां पर +5 हो गया, मैंने जज कर लिया। अच्छा, अब हमने ये बात पढ़ी है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर आयोडीन का कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है। अब अगर आपने एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है, तो अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली दूसरी इक्वेशन किसकी हो जाएगी, रिडक्शन की हो जाएगी।
इसको आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एक और तरीका भी है जो इससे ज्यादा सिंपल है स्टूडेंट्स के समझने के अतबार से। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आप लोगों को इस तरीके से चार्ज के जरिए भी इक्वेशंस को मालूम करने का तरीका आना चाहिए। इसके अलावा जो एक तरीका है जो ज्यादा आसान लगता है स्टूडेंट्स को, वो बहुत इससे भी ज्यादा सिंपल है। देखिए, ऑक्सीडेशन की तीन डेफिनेशन होती है, एक है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसकी पहली जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, गेन ऑफ ऑक्सीजन वाली, उसको यहां पर अप्लाई करें। देखें, रिएक्टेंट साइड पर आयोडीन के साथ कुछ नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पर मुझे आयोडीन के साथ तीन ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि आयोडीन के एटम ने तीन ऑक्सीजन के एटम्स को गेन कर लिया। जब आयोडीन के एटम ने तीन ऑक्सीजन के एटम्स को गेन किया, तो वहां पर हम यह कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगर आपको ये चार्ज वाली बातें क्लियर नहीं हो रही तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लें, दूसरा वाला उसका ऑपोजिट होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा होगा वो रिडक्शन होगा, ठीक है। ये आ गया पहला स्टेप। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, पैरेंट इक्वेशन को तोड़ लेना है उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट में। आपने अलग अलग कर लिया, उसको मेंशन कर लिया कि कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हमें इक्वेशन को करना होता है बैलेंस, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन टूट कर आई है, ये टूटी हुई इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई एटम है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई एटम अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करूंगा मैं। दूसरे स्टेप देखिए, पहली इक्वेशन जो है Cr2O7 और एक प्रोडक्ट साइड पर क्या है, Cr, Cr2O7 माइनस टू होल चार्ज और ये Cr+3, ठीक है। अब जरा इधर गौर कीजिए, रिएक्टेंट साइड पर क्रोमियम के दो एटम्स हैं, Cr2 है, और प्रोडक्ट साइड पर क्रोमियम का सिर्फ एक ही एटम है, क्रोमियम 1 है। तो यहां पर इक्वेशन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन भी नजर नहीं आ रहा सर, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करें। देखिए, मैंने अभी कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई एटम अनबैलेंस होगा ना, तो उसे बैलेंस करूंगा। तो यहां पर सिर्फ क्रोमियम है, तो क्रोमियम इधर 2 है, इधर 0 है क्रोमियम, सॉरी 1 है क्रोमियम, इधर 2 है और इधर 1 है क्रोमियम। तो मुझे इस 1 को 2 बनाना है। मैं क्या करूंगा, इधर 2 लगाऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 1 2। अब इधर भी 2 क्रोमियम के एटम है, इधर भी 2 क्रोमियम के एटम है। अच्छा, किसी के जहन में अगर ये सवाल आए कि सर इस 2 क्रोमियम को 1 कर लेते, इधर से 2 मिटा देते, सर 1 हो जाता, इक्वेशन तब भी बैलेंस हो जाती, नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते। जहां पर इक्वेशन में नंबर कम होता है वहां पर हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़े हुए नंबर को, यानी जो नंबर ज्यादा होता है उसे कम नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए मैं इस 1 को 2 तो बना सकता था, लेकिन इस 2 को दोबारा 1 नहीं बना सकता, तो मैंने इसको 2 को 1 को 2 बनाने के लिए क्या किया, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 2। अब इधर भी 2 क्रोमियम के एटम है और इधर भी 2 क्रोमियम के एटम है, तो क्रोमियम हमारे पास बैलेंस हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, ये I2 वाली, तो I2 और ये आ रहा है IO3। अब जरा गौर करें, देखिए इधर 2 आयोडीन के एटम्स हैं और इधर एक भी आयोडीन का एटम नहीं है, सॉरी इधर एक आयोडीन का एटम है, इधर 2 आयोडीन के एटम्स हैं और इधर सिर्फ एक आयोडीन का एटम है। तो अगेन, रिएक्टेंट साइड पर एटम्स की तादाद ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पर एटम की तादाद कम है, तो बैलेंसिंग कहां होगी, प्रोडक्ट साइड पर होगी। तो प्रोडक्ट साइड पर अगर मुझे इस आयोडीन को 2 बनाना है, तो मैं सिंपली जैसे मैंने ऊपर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे मैं यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 आयोडीन के एटम्स इधर भी हो गए, 2 आयोडीन के एटम्स इधर भी हो गए। तो इस तरीके से दूसरे स्टेप में हमने आयोडीन के एटम्स को बैलेंस किया। पहले स्टेप क्या था, हमने पैरेंट इक्वेशन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पार्ट्स में तोड़ लिया। दूसरे स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने ब्रेक डाउन किया, हमने इसको बैलेंस किया। कैसे बैलेंस की, किन एटम्स को बैलेंस किया, जो एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हैं उनको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दूसरे स्टेप में कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमने बैलेंस कर लिया। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले हमने ब्रेक डाउन करना है, दूसरे स्टेप में हमने अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है, तीसरे स्टेप में हमने ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को, ठीक। तो मुझे इस वाली इक्वेशन में, जो पहली वाली मेरी इक्वेशन है Cr2O7 वाली, इस वाली इक्वेशन में मुझे रिएक्टेंट साइड पर 7 एटम्स ऑक्सीजन के नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर मुझे एक भी एटम नजर नहीं आ रहा ऑक्सीजन का। तो अब क्या किया जाए,
तो इसका मतलब ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो इधर है Cr2O7 और इधर है क्रोमियम सिर्फ 3। अच्छा इधर भी दो बातें कि इधर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 7 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर एक भी एटम नजर नहीं आ रहा, तो क्या करें? अब दो तरीके हो सकते हैं जिससे मैं इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकता हूं। क्या पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं इधर से ऑक्सीजन को गायब कर दूं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं उधर ऑक्सीजन को बढ़ा दूं, यानी कि उधर मैं 7 ऑक्सीजन ले आऊं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इधर से 7 के 7 ऑक्सीजन गायब कर दूं। अच्छा अभी मैंने पिछले स्टेप में आपको बताया था कि जहां पर एटम ज्यादा होते हैं वहां हम एटम्स को कम नहीं कर सकते, अलबत्ता जहां एटम्स कम होते हैं हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो यहां एटम 7 है और यहां एटम 0 है, तो यहां ज्यादा है इसलिए इसको कम नहीं कर सकते, हाँ यहां 0 है तो इसको बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने के लिए मुझे कितने एटम्स चाहिए? देखिए रिएक्टेंट साइड पर 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड पर हमें 7 ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए होंगे। अब 7 ऑक्सीजन के एटम्स को लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। याद रखिएगा ऑक्सीजन के एटम्स को ऐड करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, यानी कि जिस साइड पर हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है उसके ऑपोजिट साइड पर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। जितने ऑक्सीजन एटम्स की कमी होगी उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स हम उसके साथ अटैच कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन में। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें I2 विल मेक IO3 नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखिए इसमें I2 और IO3 आ रहा है नेगेटिव ना, 2 IO3 नेगेटिव, सही। तो अब देखिए इसमें इस वाली दूसरी वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर 2, 3, 6 ऑक्सीजन है। देखिए जब हमने यहां पे 2 ऐड किया ना, तो इस 2 ये 2 सिर्फ आयोडीन से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि आयोडीन के साथ ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है। ये इसी तरीके से है जैसे मैथ्स में हम कहते हैं ना, अगर कहीं लिखा होता है 2AB तो वो 2A से भी मल्टीप्लाई होता है और 2B से भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसी तरीके से यहां पर 2I से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2O से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 2 का इफेक्ट जब आयोडीन पर आया तो 2 1 से 2 आयोडीन इक्वल हुआ था पिछले स्टेप में, जब इस 2 का इफेक्ट इस ऑक्सीजन पर आएगा तो 2, 3, 6 ऑक्सीजन बन जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट साइड पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए, प्रोडक्ट साइड पर 6 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। तो अब इसी हिसाब से अगर प्रोडक्ट साइड पर 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो मुझे रिएक्टेंट साइड पर कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए, मुझे 6 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए रिएक्टेंट साइड पर। अच्छा जितने ऑक्सीजन एटम्स चाहिए होते हैं रिएक्टेंट साइड पर हम उतने वाटर मॉलिक्यूल अटैच करते हैं, जैसे यहां पर मुझे 7 एटम्स चाहिए थे ना ऑक्सीजन के, मैंने 7 वाटर लगाए थे, यहां मुझे 6 ऑक्सीजन चाहिए तो मैंने 6 वाटर लगा दिए। क्लियर हो गई बात? फिर से रिकॉल करते हैं, 3 स्टेप्स हमने कर लिए। पहले स्टेप में हमने पैरेंट इक्वेशन को 2 स्टेप्स में तोड़ा, ऑक्सीडेशन अलग किया, रिडक्शन अलग किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उन दोनों इक्वेशंस को जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तोड़ी थी उन दोनों इक्वेशंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम था उसको बैलेंस किया। फिर तीसरे स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, कैसे बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर लगाकर, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप की तरफ, हमारा चौथा स्टेप क्या है। अब देखिए जब हमने वाटर को लगाया, इस वाली इक्वेशन में भी वाटर ऐड किया, इस वाली इक्वेशन में भी वाटर ऐड किया, तो वाटर के ऐड होने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी पैदा हो गई, ठीक है। वाटर के ऐड होने से क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी पैदा हो गई, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की कमी को दूर करते हैं। अब जरा इस वाली इक्वेशन पर फिर से गौर कीजिए, देखिए जब मैंने इधर 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाए तो 7 2s 14 हाइड्रोजन के एटम्स आ गए, किस साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर तो मुझे एक भी हाइड्रोजन का आयन नजर नहीं आ रहा, एक भी हाइड्रोजन का एटम नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट साइड पर भी हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए। तो अब मैं उसको ऐड कर देता हूं रिएक्टेंट साइड पर, Cr2O7 - 2 2 Cr2 + 3 7 वाटर। अच्छा अब देखिए 7 2s 14 हाइड्रोजन है ना, तो 14 हाइड्रोजन के लिए मैंने 14 हाइड्रोजन के आयंस लगा दिए। अच्छा याद रखिएगा 14 हाइड्रोजन के एटम्स नहीं लगेंगे, 14 हाइड्रोजन के आयंस लगेंगे। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बजाय 14 हाइड्रोजन के आयंस लगाने के वो 14 हाइड्रोजन के एटम्स लिख देते हैं, लेकिन चूंकि ये जो मेथड है इक्वेशन को बैलेंस करने का वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो यहां पर आपको आयन लगाना है, एटम नहीं लगाना, ठीक है।
तो आपने क्या किया, 14 हाइड्रोजन के एटम लगा दिए, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर 7 टू जा 14 हाइड्रोजन आपके पास आ रहे थे। आगे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन में जरा गौर करें तो 6 टू जा 12 हाइड्रोजन है जो मुझे रिएक्टेंट साइड पर नजर आ रहे हैं इस जगह पर, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर मुझे एक भी हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा। तो इसका यह मतलब होता है कि ये वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन का आयन आना चाहिए। ठीक है, लगा देते हैं आई टू प्लस 6H2O 2IO3 नेगेटिव, और इसके साथ मैंने अटैच कर दिए, देखिए कितनी कमी है, 6 टू जा 12 है ना हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन के आइंस लगा दिए। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका चौथा स्टेप कंप्लीट। फिर से रिकॉल करते हैं, पहले स्टेप में क्या किया, दोनों इक्वेशंस को हमने तोड़ लिया, ऑक्सीडेशन अलग कर ली, रिडक्शन अलग कर ली। दूसरे स्टेप में क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम्स हैं इक्वेशन में मौजूद उनको बैलेंस किया। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर का मॉलिक्यूल लगाकर, जितने ऑक्सीजन एटम्स की कमी थी उसके ऑपोजिट साइड पर उतने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच किए। चौथे स्टेप में क्या किया, चौथे स्टेप में हमने हाइड्रोजन के आयंस को बैलेंस किया, क्योंकि जब हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन वाटर के आने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन के आयन की इंबैलेंसमेंट क्रिएट हो गई, तो इसकी वजह से अब हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस कर लिया। अब आ जाते हैं बेटा पांचवें स्टेप की तरफ, और पांचवा और ये सबसे जरा क्रूशियल स्टेप है। अक्सर बच्चे ये चार स्टेप तो फिर भी किसी तरीके से कर जाते हैं, समझ लेते हैं बात को, लेकिन इस पांचवें स्टेप में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, और गलती की वजह सिंपल ये होती है कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो इस स्टेप में गलती नहीं होगी। पांचवा स्टेप क्या है, और इस पूरी इक्वेशन बैलेंसिंग का सबसे मेन स्टेप भी है, पांचवा स्टेप है आयंस, आयंस बन गए सब कुछ हो गया, पांचवा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ऐड करने, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में हमने इलेक्ट्रॉन्स को लगाना है। अब मुझे अभी नहीं पता कि किस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं और किस साइड आने हैं, रिएक्टेंट साइड आने या प्रोडक्ट साइड आने हैं, वो मैं अभी आपको समझाता हूं कि कैसे मुझे पता चलेगा और कितने आएंगे, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो जरा देखिए, पहले मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं, Cr2O7 plus 14H will make 2Cr plus 3। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाली जो इक्वेशन है मेरी 2Cr7 minus 2 वाली, इसमें अगर मैं इस एरो को इक्वल टू ले लूं, इस एरो को क्या ले लिया, इक्वल टू, अब एरो की लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि रिएक्टेंट साइड पे जो चार्जेस हैं वो लिख लो, इधर टोटल चार्ज क्या है माइनस टू, Cr2O7 पर चार्ज है माइनस टू। ठीक है, इसको अलग से रफ कॉलम कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आती रहे, और इधर है 14H पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है 14, तो टोटल 14 पॉजिटिव का चार्ज हो गया। ठीक है, एरो के बाद एक क्रोमियम के एटम पे प्लस 3 चार्ज है, तो यहां पर दो क्रोमियम के एटम है, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो कितना चार्ज हो गया प्लस 6। अब जरा इसको सॉल्व करो, माइनस 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस 12, ये हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब देखिए दो चीजें, ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, इन दोनों नंबर्स का इक्वल होना जरूरी है। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज में गलती करते हैं कि यहां पे ये कहते हैं कि जीरो हो जाए, नहीं जीरो होना जरूरी नहीं है, इन दोनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों साइड्स का, फिर रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, अभी इक्वल नहीं है, ये प्लस 12 है ये प्लस 6 है। तो अब मैं क्या करूं इक्वल करने के लिए, क्या किया जा सकता है इक्वल करने के लिए, मेरे हिसाब से मुझे दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर किसी तरीके से मैं 12 को 6 बना लूं, अगर किसी तरह से इस 12 को 6 बना लूं तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। एक तरीका मुझे और नजर आ रहा है, और वो ये तरीका है कि मैं अगर किसी तरीके से इस 6 को 12 बना लूं, ये दो तरीके हैं कि जिससे मैं काम को अंजाम दे सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं, यानी कि 12 को 6 बना लूं तो भी 6 6 इक्वल हो जाएगा, 6 को 12 बना दूं तब भी 12 12 इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, अब एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, मैं 12 को 6 बनाऊं या 6 को 12 बनाऊं, या अपनी मर्जी है, जिसका जो दिल चाहे वो करे, ऐसा नहीं है, यहां पे आप रिस्ट्रिक्टेड है, आपको क्या करना है। देखिए यहां पर मैं इस 12 को 6 बनाऊंगा, 6 को 12 नहीं बना सकता। अब क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इस क्यों का क्या जवाब है, ध्यान दीजिएगा। एक इक्वेशन है बेटा जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि क्लोरीन का एटम आया, उसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया, और क्लोरीन का वो न्यूट्रल नेगेटिव, क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन गया।
ये हमने 9 में भी पढ़ा था सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल में, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं, सही ना। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल में ये चीज आई थी कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, सही है ना। तो क्लोरीन ने वही सोडियम का इलेक्ट्रॉन लिया। अच्छा अब देखिए, क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। क्यों कह रहे हैं इसको रिडक्शन? क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है रिडक्शन की, क्रोमियम वाली इक्वेशन कौन सी है? रिडक्शन की है ना, सही है, रिडक्शन की है। तो ये इक्वेशन भी रिडक्शन की है। जरा गौर करो, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन किस साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पर ना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे नहीं लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन किस साइड पर आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पर आना चाहिए। जिस साइड पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना, वही साइड बैलेंस होती है। यानी कि मैं इधर लाऊंगा -6, तो ये -6 + 12 कितना हो जाएगा? +6, समझे। अब मुझे कैसे पता चला कि सर -6 ही आएगा, कुछ और क्यों नहीं आ सकता? बेटा मैंने कहा ना कि इन दोनों को इक्वल करना है। मैं सिर्फ ये डिसाइड करूंगा कि मैं किसको चेंज करूंगा, मैं 12 को चेंज करूंगा या 6 को चेंज करूंगा। जिसको चेंज करना होगा फिर मैं उसी हिसाब से वहां पर नंबर लगा दूंगा। तो मुझे दूसरे वाले की इक्वल बनाना है, इसलिए मैंने इसको 6 से माइनस किया। अगर मैं मिसाल के तौर पे 5 से माइनस करता तो यहां पर क्या बच जाता? 7 बच जाता। 7 और 6 तो इक्वल नहीं होते। इसी तरीके से दूसरे नंबर से भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए। अब दूसरी इक्वेशन है, अब दूसरी इक्वेशन में फैसला करना है। यानी कि मुझे इस वाली इक्वेशन में मैं अभी अगले स्टेप में 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाऊंगा रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन का पहले फैसला कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी देखिए एरो है, तो एरो के लिए मैंने क्या किया? इक्वल टू लगा दिया, सही है। एरो के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। आयोडीन पर भी कोई चार्ज नहीं है और वाटर पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरफ तो है 0, ठीक है। इस तरफ क्या चार्जेस हैं जरा देख लेते हैं। तो ये -1 है, IO3 के होल चार्ज क्या आ रहा है? -1, और दो IO3 मौजूद है तो ये हो जाएगा -2, 2 हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा +12, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 0 और -2 + 12 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 10, सही है। अब मामला तो अभी भी इक्वल नहीं है। अच्छा क्यों? क्योंकि यहां 0 है और यहां पर 10 है। या तो दोनों साइड 0 हो जाए, फिर बात रिपीट कर रहा हूं, या तो दोनों साइड 0 हो जाए या दोनों साइड 10 हो जाए, दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। अब करना क्या है यहां पर? अब यहां पर करना यह है बेटा कि हम अच्छा ये वाली जो मैंने NaCl वाली एग्जांपल दी थी ना, उसी के ऊपर फॉलो करते हैं। हम कहते हैं ना वहां पे सोडियम का एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। तो जब सोडियम का एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था ना, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है? ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहां नजर आ रहा है मुझे? राइट हैंड साइड पर नजर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज कहां पर आना है बेटा? यहां पर आना है, राइट हैंड साइड पर। अच्छा कितना नेगेटिव आएगा? एक चीज ये भी है कि नेगेटिव आएगा तो कितना आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा यहां पर -10। क्यों? क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो +10 और -10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा और दूसरी वाली ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में राइट साइड पर 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा। इसके बाद अब देखिए Cr2O7 -2 + 14H+ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहां पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स (2IO3- + 12H+). अब दूसरी इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर (2Cr+3+7H2O). अच्छा अब दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर क्या है? यहां पर देखिए (I2+6H2O)(2IO3- + 12H+)
और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात की है यहाँ पर हमने, 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो ये हो गए आपके 5 स्टेप्स हो गए इस इक्वेशन के, 7 स्टेप्स हैं, 5 हो गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुने, पैरेंट इक्वेशन के बाद हमने क्या किया, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तोड़ा। दूसरे स्टेप में आए, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स थे उनको बैलेंस किया। तीसरे स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर के मॉलिक्यूल लगाकर, जितने ऑक्सीजन कम थे उतने वाटर लगे। चौथे स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस किया, जितने हाइड्रोजन आयंस की कमी नजर आ रही थी उतने हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस किया। पांचवे स्टेप में आया तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को लगाया, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। अब आ जाते हैं सिक्स स्टेप की तरफ। अच्छा बेटा, सिक्स स्टेप के लिए सिलसिला ये है कुछ कि सिक्स स्टेप में करने के लिए, सिक्स स्टेप है क्या बेसिकली, सिक्स स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होनी चाहिए। यहां पर है 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर नजर आ रहे हैं मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर 6 है और यहां पर 10, अब मुझे इन दोनों को सेम करना है। तो सेम करने का तरीका क्या रहेगा, सेम करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसका कोफिशियंट लीजिए, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका कोफिशियंट लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर ले। तो उससे क्या होगा, अगर मैं इनको नाम दे दूं ताकि आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा खूबसूरत नजर आएगा, इक्वेशन 1 उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 10 से, तो मल्टीप्लाई 10 से करूंगा, यानी कि इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 का कोफिशियंट वही है इलेक्ट्रॉन का। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 Cr2O7 -2 प्लस 10 4 जा 140 H पॉजिटिव प्लस 10 6 जा 60 इलेक्ट्रॉन्स, 10 2 जा 20 Cr प्लस 3 और 10 7 जा 70 H2O। ठीक है, ये आ गया पहले इक्वेशन का आंसर जिसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इक्वेशन 2 जिसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 6 से, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट 6 है। तो ये हो जाएगा 6I2 प्लस 6 36 H2O, फिर 6 2 12 IO3 नेगेटिव, फिर आ जाएगा 6 12 72 H पॉजिटिव और ये हो जाएगा 6 10 60 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा गौर कीजिए, यहां पर दोनों ही इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अब सेम हो चुकी है, बाकियों के साथ क्या हुआ वो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए। हमने क्या किया, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, ये हमारा अगला स्टेप है, सिक्स स्टेप, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और अब हम सेवेंथ स्टेप करने जा रहे हैं। सेवेंथ स्टेप क्या है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। ऐड करते वक्त दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स चूंकि ऑपोजिट साइड पर हैं और सेम साइन के साथ हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया। अब इक्वेशन में जो बच रहा है उसे नोट कर लें पहले, 10 Cr2O7 -2 प्लस 140 H पॉजिटिव प्लस 6I2 प्लस 36 H2O, एरो लगा दें। अब इक्वेशन की लेफ्ट राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है उसको हम एड अप कर लेते हैं, 70 H2O प्लस 12 IO3 नेगेटिव 72 H पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशंस ऐड तो होकर आ गई, अब मसला क्या है, मसला ये कि इक्वेशन के दोनों साइड पर एक जैसी चीजें नजर आ रही हैं जिनको एक ही साइड पर होना चाहिए। मतलब देखिए, इधर 140 H पॉजिटिव है, इधर भी 70, इधर 72 H पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे, इधर 36 H2O है, इधर 70 H2O नजर आ रहा है, ये दोनों एक तरफ होकर एक ही काउंटिंग के साथ आ जाए तो जरा बेहतर है। अब इसके लिए क्या करता हूं, इसके लिए कुछ ऐसा करता हूं कि दोनों वाटर को एक तरफ कर लेता हूं, दो तरफ लिखे हुए नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर, और H पॉजिटिव आयन को भी एक ही तरफ कर लेता हूं, लेफ्ट साइड पर करूं या राइट साइड पर करूं। अच्छा, इसका जवाब बड़ा सिंपल है, देखिए कोशिश करें कि आप नेगेटिव साइन को अवॉइड करें, यानी कि अगर मैं इधर से 140 H पॉजिटिव को उधर लेकर आता हूं तो इधर से इधर प्लस का था, जब वो एरो की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 72 पॉजिटिव जो है वो माइनस होगा 140 से, तो आंसर अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए हम ये करेंगे कि
छोटे नंबर्स को बड़े नंबर के पास लेकर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। हमने इक्वेशन को लिख लिया, अब हमें इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हम किस तरीके से इसको लिख रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, 10 Cr2O7 - 2 + 140 H+ 6 I2। अच्छा देखिए, इधर से मैं 72 H+ को दूसरी तरफ लाऊंगा, ठीक है ना। तो 72 H+ जो कि इधर प्लस का था, जब इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा यानी लेफ्ट साइड पर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 72 H+। अच्छा जो इधर 36 H2O था लेफ्ट साइड पर, इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा राइट साइड पर। क्यों? क्योंकि मैं इधर से 70 को अगर इधर लेकर आता हूं तो जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो आंसर मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। -34 आंसर आ जाएगा, यानी कि 36 - 70 होगा तो -34 आंसर आ जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं इसको उधर भेज रहा हूं, तो आगे क्या होगा, 20 Cr+3 70 H2O + 12 I O3- और अच्छा ये लास्ट वाला जो ये +72 था जो इस वाली इक्वेशन में था, इसको तो मैंने दूसरी तरफ भेज कर यहां माइनस करवा दिया है। तो अब इधर से 36 H2O उधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा -36 H2O, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए और लिखिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ये है बेटा 10 Cr2O7 - 2 + अब देखिए 140 - 72 जब होगा तो ये हो जाएगा 68 H+ + 6 I2, ये दोनों माइनस हो गए, ये आंसर आ गया। फिर इधर 20 Cr+3 + अब देखिए 70 H2O और -36 H2O, ये बच जाएगा आपके पास बेटा 34 H2O + 12 I O3-, ये हो गया सॉल्व होकर फाइनल आपका आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद ये इक्वेशन आपकी पूरी सॉल्व हो गई। किसी को इस हवाले से मजीद सवाल हो तो वो पूछ सकता है। एक बार हम इसका एक ओवरव्यू ले लें, इक्वेशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप और आखिर के दो स्टेप्स ये रहे। किसी को कोई सवाल हो तो वो ग्रुप पे सवाल पूछ सकता है। थैंक यू।